एक लंबा अनुभव है, इसलिए भी जानना चाहता हूं आपसे। देखिए राजीव जी, मेरा एक सुझाव है, जो आप विभत्सता और जो भयानक स्थिति का एक परिकल्पना कर रहे हैं, मेरा एक सुझाव है आपके माध्यम से, आपके श्रोताओं से और माननीय मोदी जी से, कि देश ये चाहेगा कि एक ऐसा डिबेट हो जिसमें एक घंटे केवल माननीय मोदी बैठे और राहुल गांधी, जो ये ब्रांड माध्यम से के व्हाट्सएप के माध्यम से जो के माध्यम से एक नैरेटिव बनाया गया है कि कौन पप्पू है और कौन गप्पू है, मैं उन विशेषणों पे नहीं जाता। एक घंटे की डिबेट हो जिसमें माननीय मोदी जी बैठे और राहुल गांधी बैठे और कोई उसमें टेलीप्रॉम्प्टर ना हो, और खुली डिबेट हो और सारे विषयों पे डिबेट हो, और उसमें राहुल गांधी को भी जनता देखे और माननीय मोदी जी को भी जनता देखे, उसके बाद ये जनता निर्णय ले, जैसे अमेरिका के अंदर होता है जहां डिबेट्स होती हैं, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट सामने होते हैं, जिससे कि ये जो एक आडंबर की भावना, जो ये आईटी सेल के माध्यम से एक नैरेटिव क्रिएट किया जाता है, वो ना हो। दूसरी बात, मैं एक परिकल्पना कर रहा था, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं, कि अगर आज गुरु द्रोणाचार्य जीवित होते और द्रोणाचार्य के सामने ये जो कौरव और पांडव पक्ष के लोग वहां पे होते और वो कहते द्रोणाचार्य की उस चिड़िया है, उस चिड़िया की तरफ देखो और तुम्हें क्या दिख रहा है, आज मुझे लग रहा है कि पूरा भारतवर्ष चिड़िया ही नहीं देख रहा है, सब कुछ वो देख रहा है जो उसको नहीं देखना चाहिए, और जो देखना चाहिए वो देख नहीं रहा। अरे देश की समस्याएं हैं, अर्थव्यवस्था, क्या अधीर रंजन चौधरी ने कहा, क्या स्मृति ईरानी ने कहा, क्या किसने कहा, क्या मतलब है, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करो, देश को समग्र बनाओ, देश को सक्षम बनाओ, अर्थव्यवस्था को मजबूत करो, बच्चों को रोजगार मिले, 4 साल की नौकरी दे रहे के मेरे बच्चों को बेरोजगार मत बनाओ, उनके किसानों की डीएपी की कीमत आप बढ़ा दो, किसानों को दुर्दशा मत करो, बच्चों की दुर्दशा मत करो। पार्लियामेंट में किसने क्या बोला, किसने क्या बोला, किस तरह से अपमान किया, कैसे मान किया, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं केवल एक समृद्ध भारत देखना चाहता हूं, अर्थव्यवस्था में मजबूत भारत देखना चाहता हूं, और ये जो भारत ने एक बहुत एक पारंगत हो गया है भारत, किस प्रकार से इश्यूज को नॉन इश्यूज बनाया जाए और कैसे नॉन इश्यू को इश्यूज बनाया जाए, तो पूरा भारतवर्ष का केंद्र जो होना चाहिए, वी शुड कम बैक टू अवर इश्यूज, अवर मेन इश्यूज, अवर प्रॉब्लम्स, एंड द कंट्री शुड मूव फॉरवर्ड। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और इसलिए भी क्योंकि लेकिन एक बात जो आप कह रहे थे कि कम से कम घंटा भर बिना टेलीप्रॉम्प्टर के राहुल गांधी तो खैर बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोलते हैं, लेकिन आपका इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया के सामने तो आते नहीं हैं, देश के सामने अपने हिसाब से मन की बात करते हैं। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि मैं ओपन डिबेट के लिए तैयार हूँ, और